अनीसा, गुड मॉर्निंग। तो आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। और जैसे कि हमारे जो दोनों बच्चे हैं वो चले गए स्कूल, और मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे जूस पूजा के लिए और मेरे लिए। पूजा थोड़ा सा जोर आवे जूस पीता है पूजा? क्यों? मन पसंद को नहीं हो। तन कौन सा पसंद है? पाइनएप्पल। पाइनएप्पल पसंद है तो पाइनएप्पल लिया तो जूस तो पाइनएप्पल भी निकल जैसी हूँ। और हमारे दोनों बच्चे गाइज, आज हमारा रिशु का एग्जाम है ना, लास्ट है मैथ का, और आज वो आराम से सोएगा क्योंकि इतने दिन हो गए उसको, कम से कम 15-20 दिन हो गए कंटिन्यू स्कूल जाते हुए, कंटिन्यू उसको है ना मैम से पढ़ते हुए। आप सबने भी देखा ही होगा, रात को पूरी रात पढ़ा था, पता है? पूरी रात तो नहीं, पता 1 बजे तक रिशु के पापा लेके बैठे थे। अच्छा, तू मेरे का नाई जद के तेरे का नाई ना मैं रिशा पापा 1 बजे तक उन्हें बिठा मिले। अभी खाना अभी तक हमने नहीं बनाया, खाना थोड़ी देर के बाद में बनाएंगे क्योंकि रिशु के पापा कोई काम है गाड़ी का, वो गए हैं वैशाली नगर। वो जैसे ही आएंगे ना, सब्जी तो बना रखी है, आटा लगाना है तो आटा फटाफट से मैं लगा दूंगी, आटा लगा के रख दूंगी, बट खाना है ना जैसे जैसे वो आएंगे ना वैसे वैसे मैं बनाऊंगी। और यूट्यूब पे जाके देखो, प्रीति का एक सॉन्ग आउट हो गया है। हाँ, मेरा सॉन्ग आ गया गाइस, वो आपको मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद में। और चैनल का नाम है राजस्थानी रिदम, उस पे सॉन्ग आया, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा। एक सॉन्ग और भी आएगा 4-5 दिन के अंदर अंदर, दांडे में आएगा शायद वो वाला। दो सॉन्ग हमारे शूट हुए थे। बड़ी केतली तू ही ले ली के दूध वाला की मांज बता नहीं कौन सी आ बडोड़ती आ कटाऊ आई है पहली बार देखी हूं मैं तो बर्तना में ही। ये अपना घी खत्म हो गया तो फिर अब ना इसको वॉश करेंगे और दूसरा घी मंगवाएंगे जोड़ी से। तेरा जत्ता भी अडंगा रहे, मेरा आया बाद में क्यों खत्म हुआ ये बता, बर्तन तू मेरा आया बाद में क्यों खाली करे? अत्ता बड़ा तो जूस पीते हैं ये पति देव का, दूध वाला जान को खटा हुआ आ गई इतनी बड़ी। पति देव का जूठा हुआ है वो तो मैं पी लूंगी, इसमें तेरे को डाल के आ जा। ठीक पूजा, पति देव को ना जूठेड़ो खाना चाहिए, ध्यान रख जे तू भी आगे जाओ ना भूबेटे का लखन। चल चल चल, आपका बींद गए ना उठेड़ो पीजे। चल चल चल, वो ज्यादा ही हो गया कुछ। क्या हो गया? ज्यादा ज्यादा ही पतिव्रता बन गई तू। मैं तो एक तो तेरा बर्तन कम करी हूँ बस, तो मनोई बेरो सच्चा ही बोलना है, झूठ क्यों बोला है? क्यों कोई ना भ्रमित करे, कोई लाना झूठेड़ो पीबा लाग जाओगी। नहीं नहीं, पति को झूठेड़ो पीणो बोल सही है, बावड़ी है तो। कुछ नहीं गाइस, ये 2 गिलास थे, एक प्रीति का एक जीजोसा का, एक टूट गया, ये एक ही बच्चा, इसमें पीना अच्छा लगता है प्रीति को। बात ये 2 गिलास और इसकी हिम्मत नहीं है कि इसको साफ करके मैं पी लूं, इसलिए बस। नहीं पति देव का झूठा ही पीती हूं। चलो गाइस, अब मैं आपको गाना दिखाती हूं और साथ में जूस भी एंजॉय करती हूं, इसमें मैं थोड़ा सा सिंधा नमक भी डालूंगी। गाना बाद में दिखाएंगे गाइस, पहले चलो खाना बनाओ। हाँ चलो ठीक है गाइस, थोड़े मैं खाना वाना जूस पी के खाना वगैरह बनाऊंगी। और मैंने बनाई है पूजा के लिए और मेरे लिए बिरयानी, तो बिरयानी खाएंगे। ऋषु के पापा को बिरयानी ज्यादा पसंद नहीं है, उनके लिए तो खाना ही बनाना पड़ेगा। मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है यार, किस किस के साथ ऐसा होता है, मतलब राइस बन रहे हैं फिर भी मुझे यहाँ पे चपाती सेकनी पड़ रही है, क्योंकि ना तो बच्चे खाते हैं ना मेरे हस्बैंड खाते हैं ज़्यादा राइस। तो अगर है ना, मतलब राइस बनता है ना, सब लोग राइस खाएं ना तो बहुत मज़े आ जाए, रोटियाँ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब्जी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट से मैं और पूजा लग चुके हैं, मैं रोटी बना रही हूँ और पूजा उस साइड अपने बर्तन वगैरह साफ़ कर रही है। तो प्रीति यहाँ रोटी नहीं बना पाई, उससे पहले मैंने बर्तन साफ कर दिए। बस मेरी भी 2 ही रोटी है लास्ट। प्रीति को रोटियां बहुत कम बनानी पड़ती है। अठे सगला है ना, फूल सुंगे। देखो 2 रोटी प्रीति की, 2 मेरी और 4 ऋषि के पापा की। जन कत्ती होगी 8 रोटी बनानी पड़ी, 2 बच्चा है। अब सगला जना ये किसी गिन गिन के रोटे बनाया करेंगे। आप पूछे गिनी गिनना तो पड़े ही, एक्स्ट्रा नहीं खाना चाहिए जे पहली बार। निकाल ऋषि को पापा, ये क्या कि ठंडी रोटी में ना प्रोटीन रहता है, जरा मैं एक्स्ट्रा बनाते 2-3। सुबह पीती में वेज बिरयानी बनाई थी जो मैंने प्रीति ने खाई नहीं। वेजिटेबल गुंडाली को भी कमंदर सुक्की, हां काट बा के तोड़े गुंडाली होली तो वेजिटेबल नहीं डाली, ओनली जीरा राइस है वो। तेरे को पता है प्रीति मेरे लिए कितने अच्छे-अच्छे कमेंट आए पहले की वीडियो में? क्या है? कोई 1000 बात तो ये एक ही कमेंट आता, आपकी बोली बहुत अच्छी है।
आप बहुत सटीक बोलते हो, आप में ईगो नहीं है। बोली प्यारी लगे सर। चल ये भी नहीं आ जाओगी यार, बिरयानी डाल खाना खाओ। तो यहाँ पे साथ साथ में हमें ना खतरों के खिलाड़ी भी देख रहे हैं, फाइनलिस्ट पे पहुंच गए ये। फाइनली मैंने बना लिया है खाना, ये दही हो गया और ये मैंने सोयाबीन की सब्जी बनाई है और ये फली काजरे की सब्जी है, सैलेड हो गया, चपाती हो गई एंड काजू कतली। क्या कर रही हो? देख रही हो यश्विनी, आपके मम्मी का एक सॉन्ग आया है, आपने देखा सॉन्ग? देखा मेरा नहीं देखा? झूठी, आपने कब देखा? किसने दिखाया, किसने दिखाया बताओ? कौन देख रही थी? अपने आप नहीं देख रही थी। आज चलो टीवी में आपको भी दिखाती हूँ और मेरी ऑडियंस को भी दिखाती हूँ। तो गाइस जैसे ही ऋषभ के पापा को खाना वगैरह मैंने खिलाया था, उसके बाद में मैं यश्विनी और ऋषभ हम सब है ना सो गए थे और अब कितने बजे उठे हम? साढ़े पाँच बजे उठे हैं और यश्विनी झूठ बोल रही है। यश्विनी आप सोए थे ना मेरे साथ, भूल जाते हो आप तो। और अभी जस्ट मेरे पास आया है सपना का कॉल, वो ऐसे बोल रही है कि यार मैं कल से तो ना जिम जा रही हूँ तो प्लीज़ तू आ जा जा जा, तो कुछ खा पी लेते हैं। उसको पताशे खाने की इच्छा हो रही है, वो ऐसे बोल रही है। फिर उसके बाद में मेरी है ना पताशे मैं नहीं खा पाऊंगी, पांच फ्लेवर वाली पताशी यार कहाँ मिलती है, तू है ना उसकी लोकेशन वगैरह बता दे, अपन वहाँ जाके पानी पताशे खा के आएंगे। तो अभी वो गई है जिम और जैसे ही वो जिम से आ जाएगी फिर वो मुझे कॉल कर देगी और मैं उसके पास जाके आऊँगी। आज है ना मेरा, सपना का, स्वीटी वैसा का, सुरभि का और रितिका का, अक्षी जीजा का सॉन्ग आया बहुत ही शानदार। और कहाँ पे आया है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो आया है राजस्थानी रिदम चैनल है मीनाक्षी जीजा उसके ऊपर। और अभी जाके मैं आपको टीवी में भी दिखाती हूँ, मतलब मैंने डांडिया ड्रेस वेयर करी है, आपने व्लॉग देखा ही होगा वो वाला, नहीं देखा तो वो भी व्लॉग जाके देखो। हमने शूटिंग करी थी ना उस नाइट को, कम से कम 2-3 बजे के समथिंग आए थे। बहुत मेहनत होती है यार, बहुत ज़्यादा। एक सॉन्ग और भी आने वाला है जो कि 4-5 दिन के अंदर अंदर आने वाला है। ऋषा उड़ जाओ उड़ जाओ, बहुत सो लिए। आपके मम्मी का एक सॉन्ग आया, वो दिखाऊं आपको भी? आंखें बंद क्यों करना है? क्या हुआ, क्या बोलो, इधर बताओ। मैंने क्या झूठ बोला आपको? यश्विनी ऐसे बोल रही है, मम्मी आप है ना झूठ बोल रहे थे उस दिन, आपने बोला था ना कि डॉक्टर के गई हूँ मैं, आप मेरे को इधर नहीं लेके गए थे, इसको याद आ गया ड्रेस को देख के। देखना सपना मौसी कैसे करेगी। ये हमारे स्वीटी बाईसा, ये रितिका। रितिका को जान गई यश्विनी? ये हमारी सुरभि रानी। आपने आपकी पापा खा गए थे ना, आप भी खा गए थे। अच्छा यश्विनी पता है क्या बोल रही है, पहले इसने ये बोला था कि आपकी फैमिली कहाँ गई मम्मी, कहा क्या बोला था आपने? आपकी फैमिली खा गई मम्मी। क्योंकि यहाँ पे ना कपल, कपल का अभी है ना सॉन्ग चल रहा था, जैसे दिखाती हूँ मैं आपको एक सेकंड। जैसे ये कपल है ना सब, तो ऐसे बोल रहे थे कि पापा कहाँ गए। तो गाइज ऋषु के पापा ना दोपहर में ना दही बड़ा लेके आए थे और ये देखो, मतलब जो चिकुंदर नहीं है क्या उसका जूस निकल गया, रेड रेड हो गया पूरा दही बड़ा। अरे यार हमारे जो ऋषु के पापा है ना यार, आजकल है ना पता है मेरी वाली गाड़ी बिल्कुल भी छोड़ते ही नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि इस महीने की जो किस्त है ना वो ऋषु के पापा से ही लेने वाली हूँ। ये हमारी स्कूटी रानी, इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। अभी मैं जा रही हूँ सपना के पास और वहाँ हम 5 फ्लेवर पताशे खाएंगे। शिट यार 27% बैटरी है, मैं कैसे जा पाऊंगी, मुझे ऐसे ही समझ आ रहा है। गाइस मैं पहुंच गई गणेश मंदिर और पता है सपना, मतलब सपना का ना हमेशा से यही रहता है कि है ना तू है ना वहाँ पे पहुंच जा, मैं पहुंच गई और कभी भी वो नहीं पहुंचती यार, मेरे को 10-15 मिनट उसका वेट करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो 5 फ्लेवर पताशी है ना, उसने बोला था कि पताशी खाने की इच्छा हो रही है, बट मैंने उसको ये बोला था कि मैं 5 फ्लेवर वाली खाने वाली हूँ, वो वाली पताशी मुझे अच्छी नहीं लगती। आज उसका लास्ट डे है गाइस जंक फूड खाने का। देखो अब मैं फोन कर रही हूँ तो फोन भी नहीं उठा रही वो बंदी, मेरे को ऐसे लगता है शायद स्कूटी ही चला रही होगी इसीलिए वो फोन नहीं उठा रही। देर में ना सब्जियाँ ले लेती हूँ, ये प्याज तो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे हैं, जोर आएंगे। भैया देना वो,
वो देना आलू के लिए। ये तो मैंने सुबह से पहन रखा था। ये तो नहीं हुआ। लाइट लो सर। मैंने सोचा ये तो नहीं मैं मैंने ना तेरे को फोन किया था, फोन उठा ही नहीं रही। ये देख ये लिए मैंने। मेरे पति की फेवरेट चीज ली है मैंने। क्या है? चीनी के डब्बा। चीनी का डब्बा फिर डिब्बा फिर अपन दोनों। चीनी का डब्बा क्यों क्यों लिखा तू ये भी बता दे मुझे। तो मेरा चीनी का डब्बा है क्योंकि कैसे कैसे बता रही है तो फोन नहीं होता। वो कहा है जिम जाएगी ना क्या हुआ पता शिकार रहे हो। आ जाओ पांच फ्लेवर खाएंगे। आ जा पांच फ्लेवर फेवरेट है मेरे। लो अपन दो ये कंपटीशन में फास्ट है उसका। वाओ ए तेरे को नहीं हो और परा ताला को लेर बैठ गई। ये तो मैं नुकसान में नहीं मैंने इसे शानी बन के पताशी के पैसे पे करवाए थे। नुकसान में कैसे बनी? दस रुपए ज्यादा। अरे यार लो पांच पांच रुपए। इतना दम नहीं करते। ले पकड़ इसको। नहीं मैं ये तो कर दू। इसमें और चेरी डालो थोड़ी सी। चेरी पूरी देख रही है। ए सपना तेरी वाली में तो भैया ने चेरी। तो ये वाली इधर वाली। हाँ चाहिए लगा दो। ये तो मैं चाट गई थी भैया। हेलो चिया। चिया हाय कर रही है। चिया मेरे को बोले सुन मेरे को ये बोल रही है चिया थैंक यू सो मच आपने मेरे को आइसक्रीम दिलाई। सुन रिया को दे अपन दोनों का बनाएगी। गाइस ये लड़की फुकती ली जाती है मेरे से। अप्रैल से बोल रही है सपना बस मंडे से सपना बस मंडे से। अब मैंने समझा दिमाग लगाया मैंने बैठ के कि ये क्या कर रही है तेरे साथ में। मैंने क्या किया इसके साथ में बताओ। वो तो पतली पतली मेरा वेट है ना इससे 2 किलो ज्यादा है। 2 किलो लेकिन दिखने में तो आप ही उन्होंने पूरे स्लिम एंड फिट लगते ऊपर से नीचे तक। मैंने एक पार्टनर ढूंढा है उसको भड़का रही है। सुन रिया क्या करेगी तू खुद पतली है। मैं और ज्यादा पतली हूँ उन्होंने ना मॉडलिंग में जाने। और ये हमारी चीयू को देखो इसके लिए एक अलग से आइसक्रीम। चीयू ऐसे बोल रही है मामा आपको तो मैं खाने ही नहीं। मैं ऐसे ऐसे नॉलेज पूछ के आ गई जो उसको भी नहीं पता। हाँ यार वो हम है ना ऑन कैमरा नहीं बता। ये है ना वो पहले एक जिम में गए विजिट करके आए ना वहाँ वो बताया 2,500 रुपए के बोल 2,000। मैंने कहा दो नहीं अभी यार वो जिम वाला 2,500 रुपए एक महीने के बता रहा। और पता है आप सोचो 3 महीने के 5,000 ही बता रहा। तुम्हारे 2 महीने के तो 5,000 हो गए तुम्हारे एक महीने हमको फ्री में ही दे रहा है। वो सोचा दोनों पागल जनी आ गई जब पागल बना। हाँ जब प्रीति मैम के जैसे लग रहे हो पूरे पिंक पिंक। प्रीति मैम पूरा कॉपी करके आती है आपको। आने वाले टाइम निकाल रही हूँ मैं छुई मुई। और मैंने इसका निकाला चीनी का डब्बा। अब क्यों निकाला ये कमेंट करके जरूर बताना। हाँ पता है ना मम्मी ने क्या बोला मुझे कि ना प्रीति है ना तू कमेंट मत करेगी घना जाके मैं तुम काट के दे दूँ ना। यार सपना इधर आओ मतलब चक्कर आ पड़ा है अब तो जितनी भी साफ हुआ ना फिर मेरी फेवरेट बन जाए। टोटका फेंकना सिर नहीं चलो तो फिर काट के दे दोगे तो ले भी।
ही जाऊंगी छोकने का तो सब्जी बन जाएगी। सुनो जूस कौन कौन पी रहा है बता दो, मैं चिया के लिए निकालूंगी। ये जूस नहीं पी रही यार, सदा मैं बोर हो गई। तेली तो निकाल दो ना मम्मी, आप कर ली कार्टन तो कार्ड वाले मतलब पी ले आगे उठा लिस्ट लगा लो। सपना सपना मिशन सक्सेसफुल हो चुका है मेरा, ये देखो कितना अच्छा है मेरा मम्मी मेरे मेरे जो मम्मी है ना कितने अच्छे हैं। अब मैं तेरे से रोटियां बनाऊंगी इसके बदले में। एक मिनट भी नहीं रुकने वाले और हम बस चलो 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 जल्दी से काम बता। हे भगवान मत लियो ये रिया एक मिनट भी नहीं रुकने वाली सपना। तो अब मैं तुमसे रोटियां सिखवा के भेजूंगी। वैसे भी क्या नाम है रिया को तो ना मेरे मैं चाहूंगी तभी लेके जाऊंगी ना, तो मेरे ऊपर चलेगी भाई। मैं आएगी तो थी ना कैब करके, मैं जा भी सकती हूँ कैब करके, लेकिन मैं सोच रही हूँ फलिया ले चले अपन अपने आपके काम आ जाएगी। कल आ जाऊंगी घर पे मैं सुबह खाना खाने। नहीं बहुत सारी होगी फली तो आ जाए सब। क्या अगली बार तू ले जाना पर साफ तुम खुद करना अपनी जाके। हाँ नहीं ये वाली जो फैसिलिटी है ना वो मम्मी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देता है। इसके कोई घड़ी है जिस दिन आती ना उस दिन साली मम्मी काम करी हुई मिलती है। मेरे ना गण है ना सच में सीरियसली मेरा गण बहुत ज्यादा अच्छा है भाई। मैं कह रही ना एक गणित है, मैं खुद भी तो अच्छी हूँ यार। नहीं खुद तो नहीं है, तेरे लक्षण तो नहीं है। मेरे को तो ऐसे लग रहा है वो ब्लैक। मम्मी देख मम्मी यार के पता मैं हंसा हुआ था क्या क्या मैं हंसी की फैन हूँ। सीरियसली तो ब्लैक मैजिक लग रहा है अब तो साफ साफ। अरे कसम सच में मैं इसके घर गई एक दिन ब्लैक मैजिक तो वो जो इसकी वो एक तो गई हुई नहीं ब्लैक मैजिक तो एक ना बच्चा वाला कमरा है ना तो उसका गेट मतलब एक होता ना पर ऐसे लगा देते हैं। हाँ। वैसे लगा हुआ था तो मैंने ना उसको ऋषभ और किशा को बोला कि मम्मा का है तो बोले बहुत देर से मम्मा अंदर है पता नहीं वैसे बोरी एडिटिंग कर रहा है। तो मैंने सोचा इसको सरप्राइज देती हूँ, मैंने से थोड़ा सा गेट खोला तो पता नीचे बैठी फर्श पे और ना बाल बिखेर रखे उसने। झूठी कसम कर ये देखो गाइस इनकी बातें ऐसे ही चलती रहेगी पर ना मम्मी ने मुझे सारी की सारी है ना फली चूट के दे दी। ये देखो ये मोठ भी निकाल के दिए हैं और ये छोटे छोटे से काचरे भी काट रहे हैं। नहीं नहीं मम्मी अच्छा बहुत है गाइस, बहुत ज्यादा अच्छा है ये गाइस अभी फली के लिए कुछ भी कर सकती है। ये फली कम कर दे गाइस इसके नंबर जो मैंने पर गई है इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ, आपको एक चीज दिखाती हूँ गाइस इसी के फोन में। मैं क्या बोल रही हूँ ये माँ पे गई है मेरी फली कम करवा के लाग रही है मुठ्ठा भर भर के गाइस तो आप ही देख सकते हो। अरे कहाँ गई ये तो प्रीति के नंबर मैंने आज जो अपने फोन में सेव किए हैं चीनी का डब्बा। अब इसका पीछे मैं कभी आपको रीजन बताऊंगी कि क्या रीजन है। इधर खुद को हंसी आ रही है देख लो गाइस ये इतनी ज्यादा चतुर औरत है ये बहुत चतुर औरत है गाइस। हां जी अब बताओ आप मम्मा थोड़ी देख बड्डी हो जा पता है इन सिखार जैसे झापना की दिया अगर मेरा नाम लेता नहीं। देखो गाइस ये ऐसे अपने बच्चे को यही लक्षण सिखाती है मेरी वाली को और सिखा रही है। तेरे से दूर रखूंगी मैं इसको लेकिन मैं नीचे चिया दादी से ऐसे बोल रहे परितिन दे दे ना परितिन मैं तो अब जाके ही सब्जी बना लूंगी। हमारी अमानत दे दू प्लीज हमें गिव मी चिया एक काम कर लहसुन वाला दे। लहसुन बड़ा महंगा है 100 रुपए के ले रही हो 4 गांठ लहसुन वाली बात कर तू मैं लहसुन वाली बात क्या हुआ गाइस सपना जी सब्जी लेने के लिए गए तो जिस सब्जी वाले के पास गए थे उसके पास में क्या हुआ था कि लहसुन उसने क्या भाव बताया आई डोंट नो लेकिन उसने बताया और एक गाटा छोड़ रहा था वो सारा डाल दिया था उसके अंदर। मेरा ले तू मेरा ले आजा। मैं ना वो घर पे लहसुन नहीं था सुबह भी बिना लहसुन की सब्जी बनाई थी तो तेरे को पता है बिना लहसुन की सब्जी टेस्ट ही नहीं लगती तो है ना फिर मैंने कहा चल वो पपीता वगैरह और ये सब ले आते हैं तो पहले तो लहसुन मिला ही नहीं आज 3-4 जगह पे उधर जो एक बार चिड़िया इसको लेना ना एक बार फिर है ना एक शॉप पे मिला मतलब 4 या 5 गाठे पड़ी थी उसके पास में सिर्फ तो मैंने उसे पूछा तो उसने मुझे कुछ ऐसे बताया था 50 रुपए का इतना है। हाँ। ऐसे ऐसे बताया उसने तो मैंने उनको बोला कि मैं ना कभी भी जैसे हिसाब करके नहीं लाती यार मेरे को ऐसे लगता है चल 10-20 रुपए कोई बात नहीं तो है ना मैंने उनको बोला ये कर दो आप 50 रुपए का कर दो तो है ना जैसे 5 गाठे थी ना तो उसे 4 गाठे चढ़ा दी और एक निकाल दी तो मैंने उससे बोला भैया ये एक गाठ क्या निकाल रहे हो इसको भी डाल दो जो उसके पैसे बनेंगे वो मैं इसको फिर पूरे दे दूंगी आपको तो यार बता वो 4 गाठों के मुझसे ले रहा था 50 रुपए और उसने वो एक गाठ डाली तो उसके पता उसने मेरे से कितने रुपए ले लिए 70 रुपए तो यार मतलब मेरे को समझ में इनका यार फिर मैं बोला नहीं लेकिन अब मेरे पूरे रास्ते मेरे ये दिमाग में चलता रहा मतलब कितना पागल बनाते हैं लोग। नहीं
आ गया वो एक गांठ आपका घर छोड़ लेर जा रहे हो तंदेर को नहीं पूरे उसके ठेले पे सिर्फ वो पांच ही गांठ लगाने वाली है। मैं तब तक वीडियो स्टार्ट रखूंगी क्योंकि ये वीडियो में तो बोल नहीं सकती। सुन वो वाली बात है, वीडियो में तो ये बोल नहीं सकती, मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग करूंगी गाइस। मेरे साथ ही रहना आप प्लीज। प्रिया इससे पूछ ही नहीं, मेरे को ना पब्लिक में रहना है। अरे भाई साहब तेरी पक्को पक्की चमची नहीं हूँ मैं, बहन हूँ, मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर रही हूँ ठीक है ना। रिया फिर मैं नहीं बिठा के लेके जा रही तुझे, सॉरी। तो मैं छोड़ आऊंगी, हमारे पास गाड़ी और स्कूटी दोनों हैं। चलो तो टांग ही देती हूँ, बस सब्जी और पड़ी है बैठा, भूल गई मैं तो। और रिया देख कितने अच्छे हैं, रख रखी है सेफली। कुछ कुछ लोग तो बेमानी खा जाते हैं भाई। व्लॉग मैंने कंटिन्यू नहीं किया था, बस सब्जी लेने के बाद में रिया को रिया के घर पे छोड़ के आई, रिया के मम्मा से बातें बातें करी थोड़ी देर, और अब फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे। और फटाफट से मैं रोटी सब्जी नहीं बनानी, ऋषि के पापा ने ऐसे बोला मेरे को ज़्यादा भूख नहीं है, तो सब्जी जो मैं छूट के लेके आई थी वो सुबह मॉर्निंग में बनाऊंगी। तो गाइस मेरे को है ना मम्मी ने ऐसे बोला था, सपना वाले मम्मी ने, कि है ना इसको है ना धो के और फिर उसके बाद में थोड़ी सूख जाए ना फिर फ्रीज में रखना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। और मैंने वॉश कर ली, और आप सबको पता ही है मैं शाम को मतलब रात को जब सोती हूँ ना तो ये छिल के और फिर सोती हूँ, क्योंकि है ना सुबह मॉर्निंग में ना बच्चे स्कूल जाते हैं ना तब इजीली निकल जाते हैं। वैसे कल तो स्कूल की छुट्टी है, ऋषभ की तो 3 दिन की छुट्टियाँ आ गई गाइस, ना तो मैम आएगी और ना ही है ना स्कूल जाना पड़ेगा उसको, तो 3-4 दिन मस्त मजे करने वाला मेरा बेटा। बस यशविनी के लिए उठना है तो थोड़ा सा मैं लेट उठूंगी क्योंकि यशविनी 8:20 के समथिंग जाती है, और आज है ना फाइनली सपना तो मतलब उसने जिम ज्वाइन कर ली है। मतलब मैं 2-3 महीने से सोच रही हूँ कि यार मैं भी करूँगी, बट वो टाइमिंग है ना बैठ ही नहीं पा रहा, क्योंकि है ना ऋषु आप सबको पता ही 6:30 निकल जाता है, और जिम आपको पता ही है यार 5 बजे से स्टार्ट होती है, तो 5 से 6 मैं वैसे नहीं जा सकती क्योंकि मैं टिफिन बनाती हूँ, और 6:30 ऋषु निकल जाता है। फिर मैं सोचती हूँ कि यार ऋषु निकल भी जाता है तब भी मैं 6:30 से 7:30 जा सकती हूँ, बट फिर है ना यशविनी को रेडी करना होता है, उसके लिए मेरे को जल्दी भागना पड़ता, तो मतलब मेरा तो है ना जो टाइमिंग है जो शेड्यूल है वो नहीं बैठ पा रहा। तो मैंने सपना को बोला यार तू मेरी वजह से तू तो मत रुक, तू तो जा, मतलब तेरा तो थोड़ा वेट भी कम करना पड़ेगा क्योंकि उसके भी क्या आपको पता ही है शादी है भाई की, तो वेट करना यार कंपलसरी हो ही जाता है एक लेडी के लिए। तो मैंने उसको बोला है मेरी तू टेंशन ना ले, मैं तो भाग दौड़ करके ही पतली हो जाऊंगी। तो अब मैंने सोचा है कि मैं वॉक करूंगी दोनों टाइम, सुबह मॉर्निंग में भी और शाम को भी, तो उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये 5-6 किलो वेट कम हो जाए ना इतना बहुत है। तो गाइज वॉश कर लिया मैंने मुँह को, अब थोड़ा सा मेरे को एलोवेरा जेल लगाना है जो कि मैं नाइट में लगाती हूँ, तो बस अब मैं सोऊंगी रात को। तो आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे एंड करती हूँ, होप सो आज का व्लॉग आप सबने एंजॉय किया होगा। गाइस बाय, गुड नाइट, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट डे में नेक्स्ट मॉर्निंग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।